अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हो रहा है रीटेक। हमने जितने भी इसकी चीजें चेक कर सकते थे सारी चीजें चेक कर ली हैं और फाइनली हम इसको कर रहे हैं अब बुक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हो रहा है रीटेक। रीटेक हो रहा है और बड़े दिनों बाद जाहिद के साथ में व्लॉग हो रहा है। तो जाहिद, कभी आपने सोचा था कि दोबारा से अकबर के साथ में व्लॉग करने का मौका मिलेगा? निकल लेते हैं अकेले अकेले, हमको कोई पूछता ही नहीं है। और ये कंटिन्यू बाइक के जा रहे हैं, बंदा मैसेज भी नहीं करता, फोन भी नहीं करता। और बात आपकी पिक्चर है तो आप हीरो। भाई आप तो बाइक का कॉन्टेंट बनाते नहीं है, अपने मन से डिसाइड कर लिया? हर बार मैं इसको बोलता हूँ और गवाह पता ये है, मैं यहाँ आके घर गया हूँ। आप गवाह हैं? शादी करा रहे हैं क्या? आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है और वो स्पेशल क्या है? आज स्पेशल ये है कि आज अभी डिस्क्लोज नहीं करना है, अभी हम चलेंगे वहीं पे आपको बताएंगे। ऐसे सही रहेगा ना? टाइटल तो डालोगे ही बड़ा बड़ा। तो भाई आज का ये है कि आज आपका भाई थोड़ा सा हिम्मत कर रहा है और हिम्मत करने के साथ साथ हम जा रहे हैं अपने लिए कैमरा बुक करने। हिम्मत दी किसने ये बताओ? ऊपर वाले ने। अच्छा, हमने हमारा कुछ नहीं मतलब हिम्मत दी हमारी अम्मी ने। अम्मी ने कहा ले लो, तो हमने भी बोला, घर वाले तो दे, हमने बोला था भाई को कि भाई लो भाई साथ है। अरे आज जा रहे हैं, हमारा बर्थडे भी है 5 तारीख को। हैप्पी बर्थडे भाई इन एडवांस। भाई 5 को तो उसी के उसमें हम अपने आप को कैमरा गिफ्ट कर रहे हैं, तो जाएंगे। बस यार दुआ करो कि यार वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बहुत जो कैमरा मुझे लेना है उसको सबको लेना है, वो ऐसी चीज है, वो बहुत उसकी बहुत शॉर्टेज है। तो आज हम जा रहे हैं कि भाई बुक कर दो, एटलीस्ट 15 दिन में 1 महीना में तुम कभी भी लाके मेरे को दे दो। तो बस अभी हम लेंगे बाबा चाय का लुत्फ, उसके बाद में फिर हम सीधे चलेंगे। गर्मी में चाय ना पियो यार, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। कोल्ड ड्रिंक वाली नहीं, आज जो है इसको मैं खिलाऊंगा फिश फ्राई, बहुत तगड़ी जगह की। यानी इसके बाद इसको पार्टी देना बंद कर देंगे, मतलब कहीं कहना बंद कर देंगे। हाँ आज मतलब ठीक है, ले लो भाई हम दे रहे पार्टी। तो गाइस ये है हमारे जाहिद भाई की न्यू बाइक जो आप मेरे व्लॉग में देख चुके हो, और ये हमारे जाहिद भाई हैं और बाइक बहुत अच्छी है। अभी इसका हम ओनरशिप रिव्यू भी अपने चैनल पे बहुत जल्दी व्लॉग डालने वाले हैं। बाइक कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी ये व्लॉग कैसा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारे जाहिद भाई। एंड गाइस आप ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, अगर ड्रैगन मॉट या फिर यहाँ पे मैरिज लॉन भी था, ये ऐसा सरकार ने इसकी वॉट लगाई है। इसके हालत देख रहे हैं आप, 4 करोड़ का नुकसान हुआ है, 4 करोड़ का, देख रहे हैं LDA ने क्या हाल कर दी इसकी। ये वही बिल्डिंग है गाइस, पहचान पा रहे हो आप? एंड गाइस ये हम आ गए अपने कैनन इमेज स्क्वायर पे। ये आपका कैनन का शोरूम, हमें लेना है कैनन का ही कैमरा। तो जाहिद भाई को भी काफी नॉलेज है, तो आप देख रहे हैं भाई मिल जाए बस जो लेने आए हैं। गाइज बहुत दिल पे एकदम पत्थर रख के और मतलब बहुत हिम्मत करके खास तौर से, क्योंकि जिसने जो है 20,000 के बजट में मोबाइल लिया हो, आज उस 60,000 का कैमरा लेने जा रहे हो, तो समझ सकते हैं। लेकिन ये सब आपकी मोहब्बत की बदौलत हो सकता है, अगर आप लोग इतनी मोहब्बत ना दिखाते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता और लेने का प्लान भी नहीं होता। और जाहिद ने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, तो हमने कहा चलो भाई ले लेते हैं, जब आपको कंटेंट अच्छा है, आप इतना प्यार दे रहे हैं, तो क्यों ना उस कंटेंट को और इम्प्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव की जाए। तो वैसे तो प्लान भी रहता है M50 का, लेकिन जब मुझे पता चला कि Mark II आ गया है, तो हमने कहा चलिए Mark II के फीचर्स देख लेते। तो हमारे दीप भाई हैं और दीप भाई कुछ बताएंगे हमारे Mark II के बारे में कि M50 और M50 Mark II में क्या डिफरेंस है। Mark II और M50 में जो डिफरेंसेस हैं, दोनों में मेगापिक्सल सारी चीज़ें सेम हैं। बेसिक जो डिफरेंसेस आया हुआ है कि उसके अंदर एक लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा Mark II, मतलब डायरेक्ट आपका फोन आप लाइव चला सकते हो। अच्छा, ठीक है। सेकंड, उसके अंदर आपको आई डिटेक्शन फीचर्स मिलेगा जो M50 में नहीं है। M50 Mark II में आपको आई डिटेक्शन फीचर्स मिलेगा, मतलब सेकंड फोकस तो हाँ, मतलब वो फेस के साथ साथ आई को भी फोकस में रखें। हाँ। देन उसके अंदर जो फोकस पॉइंट आएगा, फोकस पॉइंट ऑलमोस्ट सारे दोनों में सेम है, 143 है मेगा पिक्सल, दोनों में सेम है, दोनों में 4K रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। उसके अंदर जो आएगा डुअल सेंसरिंग IS आपको मिलेगा, जिससे इससे उसकी जो फोकसिंग है वो बहुत फास्ट है। इसमें आपका एक ऑप्शन आता है जो ऑप्टिकल वीडियो है, जिससे
आप क्या है कि आप वीडियो को डायरेक्ट अपने सोशल मीडिया उस पे साइट अभी जैसे हम उस पर क्या होता है कि हम अगर इसलिए आपको एडिट करना पड़ेगा जैसे इससे रिकॉर्ड करेंगे तो आपका जो वीडियो क्रिएट होता है ना वो इस फॉर्म में होता है फिर आपको रोटेट करके ऐसे करना पड़ेगा उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं रील या जोश या जो भी ऐप चलाते हो आप लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट आपका इसी फॉर्मेट में आपका रिकॉर्ड होगा बस आप म्यूजिक लगाइए और अपलोड कर दीजिए प्राइसेस भी जान लेते हैं तो क्या प्राइसेस जो इसके जो प्राइसेस आपके हैं ये आपका 54995 है M50 Mark II जो आपका आएगा 58995 का आएगा 58.99 यानी कि ऑलमोस्ट 59,000 का पड़ेगा आपका जो आएगा बैटरी होगा स्ट्रेप होगा और उसका चार्जर होगा पावर केबल होगा 2 इयर्स की वारंटी होगी और बैग बैग और मेमोरी कार्ड पहले जो मॉडल आते थे उसके साथ आता था अब जो जितने भी मॉडल अब आ रहे हैं उसके साथ मेमोरी कार्ड और बैग नहीं आ रहा आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा मतलब इसके साथ में तो 32 या 16 GB का मेमोरी कार्ड मिल रहा था ना इसके साथ 16 GB कार्ड बैग आता था अब नहीं आ रहा अब इसके साथ भी नहीं आ रहा किसी के साथ अब नहीं आ रहा और तो आज हम सोच रहे हैं इसको बुक कर दें कुछ एडवांस दे दें ताकि हमारा हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है हमारा कैमरा आ जाए और फिर हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए तो जाहिद क्या कहते हो बाय बुक करो EMI हमारे पास बजाज से हो जाएगा आने वाले में हो सकता है आप जो बात चल रही है बैंकों से HDFC भी है IDFC भी है उससे भी आपको हमारे यहाँ फाइनेंस तो इसमें कितना जैसा अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर EMI कराता हूँ तो मुझे कितना सेम चार्जेस रहेंगे या ऊपर इसमें आपको 5 चार्ज देना होता है कितना अराउंड 3% समथिंग आता है अगर 12 मंथ की आपकी EMI चाहिए होती है उसमें आपको 3% आपको वन टाइम आपको एक बार पे करना होगा 5 चार्ज पहले वही आपका मान के चलिए कि 1,000-1,500 के आसपास बनेगा बाकी और अमाउंट पूरा सेम रहेगा टोटल अमाउंट आपको 12 महीने में डिवाइड हो जाएगा जिसमें 1/3 आपको डाउन पेमेंट देना होगा जिसमें 8 महीने की EMI आपको बचेगी उस टाइम तो नहीं लेकिन हम M50 को जरूर ट्राई करेंगे हेलो गाइस मैं हूं आपका अकबर अहमद और आज हमारे साथ में हमारे जाहिद भाई जो कि हमारा ब्लॉग हेल्प कर रहे हैं ब्लॉग में और जब हमारे पास Mark II होगा तो हम कुछ इस तरीके से और हमारा आई कॉन्टेक्ट इधर होगा ना कि इधर होगा तो मैं से बात करेंगे और आपको क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव लगेगी तो क्वालिटी तो जाहिद कैसी समझ में आ रही है और यार हाँ मतलब मेरे पास जो कैमरा है ना उसमें 18 mm है और इसमें 15 mm है तो ये वाइड उससे ज़्यादा लग रहा है अच्छा आपका जो है तो क्या बोलते हैं Mark II भी 15 mm हाँ तो वाइड ज़्यादा है वाइड ज़्यादा है 15 mm है और दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें आपको ये एक किट लेंस भी मिलेगा है ना 15-45 का हमें किट लेंस मिलेगा Mark II के साथ में अब जो कैमरा आ रहा है उसमें सब में आई फोकस है मोस्टली कैमरों में और इसकी खास बात क्या है कि आपकी आई जिस तरफ घूमेगी आपका ये उस तरफ फोकस लेगा PTS है और वाइड एंगल भी काफ़ी हमें किट लेंस भी मिलेगा तो काफ़ी अगर हम पोर्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं कलरिंग भी काफ़ी अच्छी कलर टोन जो इसका है काफ़ी अच्छा है आइए एक दो फोटो क्लिक करके भी हम लोग देख लेते हैं कि फ़ोटो की क्वालिटी क्या है तो गाइस आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए अंकल और सिर्फ संडे वाले दिन रहता है और ये सिर्फ संडे वाले दिन पिक भी आपकी स्मूथ है और क्वालिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी है और Mark II होगा तो सारी चीज़ें सेम ही हैं लेकिन बस ये जो फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं वो आपके एक्स्ट्रा हैं मिरर लेस से हमें एक किट लेंस मिलेगा तो गाइस हम इसका चेक करें 360 और देखते हैं कैसे हैं तो ये हमारा न्यू कैमरा और इसमें 360 का भी रेजोल्यूशन भी हम देखेंगे गाइस हम इसका चेक करें 360 और देखते हैं कैसे हैं क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और 360 भी रिकॉर्ड किया हमने जितने भी इसकी चीज़ें चेक कर सकते थे सारी चीज़ें चेक कर ली हैं और फाइनली हम इसको कर रहे हैं अब बुक अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना अपना ना भैया का और चलिए पूछते हैं कितना एडवांस देना है बस फिर जेब कटवा लें इसके बाद जाहिर से पार्टी लेंगे सो गाइस बहुत लंबी कटने वाली है और इस समय चेहरा बिल्कुल डाउन हो गया यार बहुत मतलब मोटी रकम जाने वाली है और तो जाहिद भाई हमारे इसी खुशी में पार्टी दे रहे हैं कि तुम उदास ना हो मैं अपनी बाइक खरीदूं तो पार्टी दूं ये कैमरा खरीदूं तो भी मैं पार्टी दूं मेरा बर्थडे हो तो भी मैं दूं इसका बर्थडे हो तो अभी बर्थडे वाली पार्टी इसने नहीं दी है
चलो बर्थडे वाले दिन मैं दे दूंगा। अगर आप लोगों को कंफर्म करना है इंस्टा पे मेरे आइए और देखा करिए, मेरी हर स्टोरी में यही रहता है। तो चलिए हम चलते हैं अभी मछली खाने और थोड़ा सा घुम्मा करने। तो चलिए जाहिद भाई के साथ थोड़ा सा घुम्मा भी करते हैं, मछली भी खाते हैं और ब्लॉग को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। क्यों जाहिद? फाइनली आज जाहिद दे रहे हैं हमें झोल झाल में फिश पार्टी। फिश पार्टी नहीं दे रहा हूँ भाई। क्या हमसे दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहा हूँ। इनके जेब से आज पैसा कटने वाला है, ठीक है ले लो। और हमारी जेब से अभी आपने देखा कि कितना लंबा प्राइस कटने वाला। अभी हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ की फिश की कैसी है और फिर आपको रिकमेंड करेंगे। और अगर बाकी आपको इसका प्रॉपर व्लॉग चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई सिर्फ ज्यादा नहीं बेटा खाना है मुझको, नीचे फिश जा रही है मेरी। तो आइए आपको फिश दिखाते हैं। तो ये हमारी फिश है और जाहिद कैसा टेस्ट है इसका? अमेजिंग भाई, मैं 30 किलोमीटर गाड़ी चला के आता हूँ यहाँ फिश खाने। क्या बात। सो फाइनली अब हम भी ट्राई कर लें और आपको बताएं कि कैसा है। और बहुत बढ़िया, और चटनी के साथ ये और अच्छी हो जाती है, प्लस प्याज, और बहुत सॉफ्ट है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए, मतलब आपको खैर ये एक कांटा जैसे बोलते हैं वो है, कांटा तो है, आप आंख बंद करके इसको खा सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका भाई, लाजवाब। आंखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो आप आइए कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको इसको प्रॉपर ब्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए। सो दोस्तों हम लोग थे झोल झाल में और फिश खाई, एंड थैंक यू जाहिद कि इतनी टेस्टी फिश खाने के लिए, मतलब यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था। और वाकई बहुत अमेजिंग चटनी, बहुत मस्त थी भाई। चटनी का फ़ैन हो गया मैं, बात करता हूँ आधे किलो चटनी पैक हो रही तुम्हारे लिए। नहीं मतलब चटनी इतनी अच्छी थी और साथ में कोल्ड ड्रिंक, तो ऑफकोर्स कोल्ड ड्रिंक चटनी प्लस फिश, फिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। एक मतलब जो मछली कभी खाता नहीं है ना, जिसको मतलब कांटे वाटे वाली दिक्कत होती है, वो खा लेगा आराम से। एक कांटा नहीं आया भाई साहब। और नहीं नहीं टेस्ट भी अच्छा था, और मतलब जो ना हैवीपन भी था, ये नहीं था कि आपने अगर एक फुल प्लेट खा ली तो आपको पता ना चले, ऐसा नहीं था कि अंदर कुछ गया है। हाँ, और काफ़ी अच्छी थी और प्राइस भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो अगर आप वाकई अगर बंगाली हैं या बंगाली लवर हैं और फिश खाना चाहते हैं तो झोल झाल में चले आइए सीधे। बाकी इसका प्रॉपर ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, तो अगर आपको प्रॉपर ब्लॉग चाहिए तो मुझे DM करें, कमेंट करें। बाकी आप ये बताइए कि कैमरा कब तक मेरा आ जाएगा, एक गेस बताइए। बाकी तो मैं फिर बता ही दूंगा जब मैं डिलीवरी लेने जाऊंगा। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए अच्छे और एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बक है, लव यू गाइस। बंजारा साहिब।